नमस्कार दोस्तों, बेन स्टोक्स चाहे इंग्लैंड को वर्ल्ड चैंपियंस नहीं बना पाए इस वर्ल्ड कप के अंदर, बट वो एक काम तो ज़रूर निभा रहे हैं कि इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी खिलवा दें। जी, इन्होंने एक नया रूल निकाला है जो मैं आपको पहले भी वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ कि जो टॉप 7 टीम्स होगी इस वर्ल्ड कप की वही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर पाएगी खेलने के लिए। तो अभी इंग्लैंड आज का मैच जीतने के बाद 7th नंबर पर आ चुकी है और अभी भी उस कंटेंडर के अंदर है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर जो अगला मैच है पाकिस्तान के अगेंस्ट वो इंग्लैंड जीत जाती है तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को भी जीत चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए इस साल के वर्ल्ड कप के लिए, और इंग्लैंड को जीत चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, तो उसकी चलो बात उस मैच के दिन करेंगे। बाकी जो अभी आज देखने को मिला, नीदरलैंड्स को हराया 160 रन से इंग्लैंड ने। बेन स्टोक्स ने 108 रन कुछ मारे थे, 108 रन कुछ मारे थे जो क्रूशियल इनिंग्स उनकी आई थी। क्रिस वोक्स की भी 50 हुई थी, डेविड मलान ने भी कुछ 80s की लाइन के अंदर रन मारे थे, बट कोई बात नहीं, आपने देर कर दिया, आप उससे सीखोगे। जॉस बटलर की परफॉर्मेंस के इन सबसे सीखोगे, बट आपको भी मेन काम ये करना है कि आपको आगे की सोचनी है, आपको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है, क्योंकि आप एक ऐसी टीम हो जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर होनी ही चाहिए। अगर ऐसी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होगी ना, तो मज़ा नहीं आएगा यार, वो लेवल की कंपटीशन नहीं होगा। हर किसी का डाउनफॉल आता है, बट ये चैंपियन टीम है और ये देखना कमबैक करके दिखाएगी, बट इसके लिए इनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान को अगर ये टीम हरा देगी तो ये क्वालिफाई कर जाएगी। और भी इसके जो भी सीनेरियोज है वो मैं आपके साथ लेके आऊँगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और 3 टीमें हैं जो क्वालिफाई कर सकती है एज अ 4th टीम, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड न्यूजीलैंड। अफगानिस्तान का थोड़ा सा कम चांस लग रहा है मुझे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच है। बाकी यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अफगानिस्तान जीतते जीतते हारा है। वो मैक्सवेल थे, अगर मैक्सवेल की जगह कोई और बैट्समैन होता तो अफगानिस्तान की जीत थी वो। तो इन तीनों में से कोई भी जीत सकता है, कोई भी क्वालिफाई कर सकता है, तो उसका एक अलग ही मज़ा आने वाला है। देखेंगे यार क्या होता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताओ कि कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।